एपिसोड 30 30। विधाता जो ललाट पर लिख देता है उसे देवता, दानव, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। देवर्षि नारद ने पार्वती के भाग्य के बारे में भविष्यवाणी करते हुए हिमाचल से कह दिया, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसे मिलेगा। यदि तुम्हारी कन्या कठोर तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेकों वर हैं, किंतु इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं। पार्वती को देख मैना की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने प्यार से पुत्री को गोद में बिठा लिया। तब पार्वती ने माता को अपना स्वप्न सुनाया और योग्य वर प्राप्ति के लिए तपस्या करने का अपना निश्चय प्रकट किया। ब्रह्म भवन मुनि गयौ आगिल चरित सुनहु जस भयौ पति एकांत पाई कह मैना नाथन मैं समुझे मुनि बैना नत कन्या बरु रहौ कुवारी कंतौ मां मम प्राण पियारी जौन मिली बरु गिरिजहि जोगु गिरिजड़ सहज कही सब लोगु सोई बिचारी पति करहु विवाहु जेहि न बहोरी कोई उरदाहु अस कहि परी चरण धरि सीसा बोले सही तसने गिरीसा बरु पावक प्रगटे ससि माही नारद बचनु अन्यथा नाही परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान पार्वती निरमय जेहि सोई करहि कल्याण जो तुम्हें सुता पर नेहूं तास जाई सिखावनु देहूं करे सो तपुजे ही मिले ही महेशु आन उपायन मिटी ही कलेहूं
सु नारद बचन सगर्भ सहे तू सुंदर सब गुण निधि पृषते तू अस विचारी तुम तज हुआ संका सब ही भांति संकरु अकलंका सुनिपति बचन हरषि मन माही गई तुरत उठी गिरी जा पाही तुम्ही बिलोकी नयन भरे बारी सहित सनेह गोद बैठारी बारही बार लेती पुर लाई गद गद कंठन कछु कही जाई जगत मातु सर्व भवानी मातु सुखद बोली मृदु बानी सुनही मातु में दीख अस सपन सुनावहु तोही सुंदर गौर सुबी प्रबर अस उपदेशे मोही कुशल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी मातु पितहि पुनिय मत भावा तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा तप बल रचय प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जगताता तप बल शंभु करहि संघारा तप बल सेषु धरहि महि भारा तप आधार सब सृष्टि भवानी करहि जाय तपुवस जिया जानी सुनत बचन विस्मित महतारी सपन सुनाय गिरी हकारी मातु पितहि बहु विधि समुझाई चलियु मातप हित हर्षाई प्रिय परिवार पितारु माता भय विकल मुख आवन बाता वेद सिरा मुनियाई तब सब ही कहा समझाई पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई